हाथों में पुस्तक, पेन पेंसिल होनी चाहिए, उन हाथों में इन दोनों झाड़ू दिख रही है। मामला बिलासपुर जिले के विकासखंड कोटा के शासकीय प्राथमिक शाला पदुम पारा नव गांव का है, जहां पर सुबह स्कूल पहुंचे पर कॉपी किताबों की जगह सफाई के लिए झाड़ू थमा दी जाती है। मामले की खबर लगते ही स्कूल पहुंची स्वराज एक्सप्रेस की टीम को देखकर टीचर घबरा गई और बच्चों को झाड़ू रख कर क्लास में बैठने के लिए कह दिया। सरकार शिक्षकों से सब कुछ करवाना चाहती है। किसी जमाने में स्कूलों में चपरासी हुआ करते थे, जो पानी पिलाने से लेकर साफ सफाई तक की व्यवस्था संभालते थे। इसी बहाने चपरासी के रूप में कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार भी मिल जाता था, लेकिन अब एक भी चपरासी स्कूल में नहीं है और ऊपर से स्वच्छता अभियान का दबाव रहता है। ऐसे में शिक्षक क्या करें, या तो खुद झाड़ू लगाएंगे या फिर छात्रों से लगवाएंगे। सरकार को इस गंभीर विषय पर सोचना चाहिए। सर, ये सफाई के अंतर्गत जैसे पेड़ पौधे हैं और कुछ है, जैसे मध्याह्न भोजन के बाद है तो मध्याह्न भोजन के बाद पेपर चला जाता है, चला जाए रहता है या फिर रहता नहीं है, तब उस समय तो अब साफ सफाई करना चाहिए, इसलिए उस एक्ट बनाया गया है सर। नहीं देखिए, शासन के द्वारा सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है और अगर सफाई कर्मी के रहते हुए बच्चों से काम करा रहा है तो ये गलत है। हाँ, तो इस संबंध में इसे हम लोगों ने इंक्वायरी के लिए एबीओ है हमारे, उनको हम लोगों ने लिख किया है और वो जाके उसको देखते हैं, बच्चों से चर्चा करेंगे। बोलते हैं कुछ और खबरों के लिए।